तो हेलो एसएससी लर्नर्स, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका इस इंटरेस्टिंग और मस्त वाली वीडियो में। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन सा स्कूल सबसे ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, कौन सा वाला स्कूल सबसे ज्यादा बेस्ट है, इसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, बड़ी मस्त वीडियो बनाऊंगा और चिंता मत करना, सारी जानकारी मिलेगी आपको। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। तो देखो, यहाँ पर मैं बात करूंगा कि आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा कि कौन सा स्कूल बेस्ट है। एक है कौन सा एसओएससी का हमारा, जिसके लिए हम पूरे पूरे दीवाने हैं कि हाँ जी, हमें इसमें एडमिशन लेके ही मानना है। ठीक है, एक तो एसओएससी हो गया, एक अपने नॉर्मल सरकारी स्कूल जिसमें आप अब तक पढ़ने आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, वो वाला स्कूल हो गया, और एक हो गया हमारा प्राइवेट स्कूल। ठीक है, तो तीनों स्कूल की बात करूंगा। मैंने इसको क्या है, चार बेसिस पर बांटा है। सबसे पहले मैं करूंगा स्टूडेंट्स की बात, फिर उसके बाद नहीं, सबसे पहले मैं करूंगा इसमें बात बिल्डिंग की, मतलब कि बिल्डिंग स्कूल की प्रीमिसेस कैसी है, प्रीमिसेस डेक्सेस इन सब के बारे में बात करूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे स्टूडेंट्स की बात, फिर टीचर्स की बात कि टीचर्स कैसे हैं, स्टूडेंट्स कैसे हैं, किस तरीके से ट्रीट होता है उनके साथ। ठीक है, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे प्रिंसिपल साहब के बारे में। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो स्कूल का प्रीमिसेस है, प्रीमिसेस मतलब कि स्कूल की बिल्डिंग है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का, सबसे पहले मैं बात करूंगा सरकारी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की। ठीक है, सरकारी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि जो भी हमारा सरकारी स्कूल है, जितनी भी बिल्डिंग है सरकारी स्कूल की, उनकी बात करें तो देखो, आप अब क्या है, जब से केजरीवाल सरकार आई है, ये आम आदमी पार्टी सरकार आई है, तो स्कूल की कंडीशंस काफी अच्छी हो चुकी हैं। अगर बात की जाए डेक्सेस की, डेक्सेस भी काफी अच्छी हो चुकी हैं, काफी सही तरीके से है ना, मतलब डेक्सेस को बनाया गया है, लोहे की डेक्सेस हैं, और जिनमें काफी बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं होती बैठने उठने में। पहले क्या हुआ करता था, डेक्सेस की बात की जाए तो हमारे जमाने में जब हम पढ़ते थे, है ना, जब हम पढ़ते थे तो क्या होता था, हाँ, लड़के क्या करते थे, डेक्स तोड़ के ले जाते थे, बैट बॉल खेलते थे उससे, क्या करते थे, बैट बॉल खेलते थे। ठीक है, तो आपके है ना बड़े भैया या कोई होंगे, उनसे एक बार पूछना कि आप जब 12th करते थे, या आप जब पढ़ रहे थे स्कूल में, सरकारी स्कूल में, तो वहां का रवैया क्या था, कैसी थी डेक्सेस, वहां की डेक्सेस कैसी थी, दीवारें कैसी थी। ठीक है, अगर बात की जाए दीवारों की, देखो बच्चों क्या करते हैं, दीवारों पे वहां पर आपको हमेशा लिखा हुआ मिलेगा, आपको पता है अच्छे से, है ना, ये सब तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आप अब तक सरकारी स्कूल में 6th से आई थिंक पढ़ते हुए आ रहे होंगे। तो इस चीज के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बिल्डिंग है काफी अच्छी है, अब काफी ज्यादा सुधार आ गया है, पंखे भी सही ठीक ठाक लगे हुए हैं स्कूल में। ठीक है, तो ये सब चीज तो देखो आपको है ना, अगर ये मैंने करी है अभी सरकारी स्कूल की बात। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने प्राइवेट स्कूल के पास। ठीक है, अब प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, उसकी बिल्डिंग्स तो काफी अच्छी होती हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स होते हैं काफी बड़े होते हैं, जो एक हाई लेवल पे होते हैं, जिनकी बिल्डिंग तो काफी मस्त एकदम औसम होती है ना, मतलब पंखे वंखे हर चीज का ध्यान रखा जाता है, एकदम क्लाइनलीनेस का ध्यान रखा जाता है। गवर्नमेंट स्कूल में अब रखा जाने लग गया है क्लाइनलीनेस का, मतलब की साफ सफाई सुथराई का ध्यान अब रखा जाने लग गया है, पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, काफी अच्छे स्कूल बनाए गए हैं गवर्नमेंट भी, ऐसी बात नहीं है। और जो प्राइवेट स्कूल है ना, वहाँ की जो सफाई सुथराई है काफी अच्छे से ध्यान दिया जाता है उस पर, और वहाँ की डेक्सेस भी अच्छी होती हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई तोड़ना तो बनता ही नहीं, अगर वहाँ पे गलती से भी तोड़ दी या आपने दीवारों पे कुछ लिख दिया तो आपके घर पे कंप्लेंट जाएगी और आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा प्राइवेट स्कूल में। ठीक है, तो आप ये बिल्डिंग्स की बात तो हो गई है यहाँ पर। ठीक है, क्लासेस भी अच्छी होती है वहाँ पे, बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं होती, कंफर्टेबली क्या करता है बच्चा, पढ़ाई करता है। तो अब हम बात करते हैं अपने एसओएससी स्कूल की, जिसके पीछे हम पूरे के पूरे दीवाने हैं कि काश मेरा एडमिशन हो जाए इसमें, प्लीज मेरा एडमिशन हो जाए। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखो अब क्या है इसमें कि जो एसओएससी के स्कूल हैं, देखो सरकारी स्कूल ये भी हैं, सरकारी स्कूल एसओएससी के भी हैं। ठीक है, तो एसओएससी के में ऐसी क्या खास बात है, जो एसओएससी के स्कूल है ना उसमें क्या है, एक तो वहां की बिल्डिंग्स काफी अच्छी है, अभी हम बिल्डिंग्स पे बात कर रहे हैं ना, मतलब की बिल्डिंग कैसी है, वहां की बिल्डिंग काफी अच्छी है। ठीक है, काफी बड़े स्कूल है, काफी लंबी चौड़ी जगह पर बने हुए हैं स्कूल ये वाले। ठीक है, एसओएससी के जो भी प्रतिभा है उनको भी कन्वर्ट कर दिया गया, आपने देखे भी होंगे। ठीक है, और बिल्डिंग काफी अच्छी है, उनमें क्या होता है, एक पेरेंट्स मीटिंग हॉल अलग से होता है, कॉन्फ्रेंस हॉल अलग से होता है, जिसके अंदर काफी मतलब रॉयल सा फील होता है, अगर आप वहां जाओगे ना, मैं भी गया था एसओएससी के स्कूल में, तो काफी अच्छा फील हुआ था वहां पे यार, कि भाई बच्चों के लिए ना कुछ सरकार ने किया है वाकई में, अब तो और भी ज्यादा सुधार आ गए हैं उसमें। ठीक है, बिल्डिंग देखा मैंने, ऑफिस देखे वहां के, काफी एकदम A1 ऑफिसेज थे मैंने देखा ना, और मतलब सफाई सुथराई जैसे प्राइवेट स्कूल्स में होती है ना, एकदम क्लीन था स्कूल, कोई भी मैंने यहाँ इवन एक
चिप्स का रैपर तक नहीं देखा था मैंने स्कूल में। काफी सफाई सुथराई हो रही थी। टॉयलेट की बात की जाए, क्योंकि देखो ये टॉयलेट भी है ना, बहुत ही सबसे ज्यादा यहाँ पर दिक्कत आती है बच्चों को। क्या है, टॉयलेट सरकारी स्कूल के टॉयलेट आपको पता होंगे कि कैसे होते हैं। ओ शिट, है ना। और तुम्हारे इसके ऐसे ऐसे स्कूल के जो टॉयलेट हैं वो काफी अच्छे हैं। वहां भी गए थे हम, मैं अमन के साथ गया था, तो वहां भी गए थे ना, तो काफी ठीक ठाक थे। वहां पे कोई स्मेल नहीं आ रही थी, है ना। देखो मेरा, अब बच्चे कहेंगे यार सर जी टॉयलेट में देखो भाई, हम तो सब चीज ऑब्जर्व करते हैं अपने बच्चों को बताने के लिए, आपके लिए सारा कुछ है, ठीक है। तो काफी अच्छे टॉयलेट थे वहां के भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, काफी सफाई सुथराई थी। दीवारों पे मैंने देखा कि कुछ लिखा हुआ नहीं होता है वहां पे, है ना, बाहर की तरफ तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। बाकी क्लासरूम्स में अगर जो आप लिखते हैं तो क्या होता है, आपके घर पे कंप्लेंट चली जाती है और फिर आपके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। कोई इंस्टाग्राम आईडी नहीं लिखेगा वहां पर, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, प्राइवेट स्कूल की बात कर लिया। देखो बिल्डिंग के ऊपर हम बात कर चुके हैं, प्रीमिसेस कैसी हैं तीनों का पता लग गया होगा आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, हमारा जो ये हो, अब स्टूडेंट्स की बात कर। देखो स्टूडेंट्स की बात की जाए ना, सारे स्टूडेंट्स देखो अपने बच्चे हैं, अच्छे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, सरकारी स्कूल के बच्चों की बात की जाए ना, देखो सरकारी स्कूल एक ऐसा स्कूल है मतलब कि यहाँ पर बच्चा है ना सुधर भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। ये क्या करता है, डिपेंड करता है कम्युनिटी पर। मतलब कि सरकारी स्कूल के जैसे बच्चे होंगे ना वैसे ही आपका बिहेवियर होता चला जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपको ही सीखना है उसमें। बच्चों की बात की जाए तो मैंने देखा है काफी सारे बच्चे गाली गलौज भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन थोड़ा बिहेवियर में है ना, अगर मैं बिहेवियर की देखो सच बात कहूँ ना, देखो मैं गोल मोल बात नहीं कह रहा आपसे, है ना, ना किसी की इंसल्ट कर रहा हूँ, कि सीधी सी मैं बात बताऊं, सरकारी स्कूल के बच्चे है ना थोड़ा अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करते हैं ना। तो यहाँ पर सरकारी स्कूल के बच्चे थोड़े से कम मार्क्स मैं देना चाहूंगा बिहेवियर में, थोड़ा वो टीचर्स के साथ भी कर देते हैं कभी कभी, ये चीज अच्छी नहीं होती है ना। तो स्कूल के बच्चे हैं जो वो रूल्स को कम फॉलो करते हैं थोड़ा, ठीक है। और ये सब चीज डिपेंड किस पे करती है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। अब प्राइवेट स्कूल की बात की जाए, फुल प्रशासन मतलब कि पूरे बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं। देखो अब्यूजिव लैंग्वेज के बच्चे तो आपस में यूज करते हैं, लेकिन वहां पर एक डिसिप्लिन रहता है। अब क्या सरकारी स्कूल में क्या किया जाता है, बच्चा है ना क्या होता है, दीवारों से कूद के भी निकल जाते हैं, दीवारों से कूद के भाग जाते हैं। इस चीज पे कोई ध्यान नहीं देता है टीचर कि यार बच्चे दीवारों से कूद के जा रहे हैं, इनके घर पे कॉल करें कि आपका बच्चा यहाँ से भाग गया है, क्यों भाग गया है, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइवेट स्कूल में क्या, अगर गलती से भी ऐसा कर दिया, अगर मान लीजिए बच्चा नहीं भी गया ना स्कूल, तो वहां पर तुरंत घर पे कॉल आ जाएगा कि हाँ जी आपका है ना बच्चा आया नहीं है, क्या बात है, ठीक है। और यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में क्या है, मतलब कुछ स्कूल्स में ऐसा होता है ना, सभी स्कूल्स में नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल में अधिकतर ऐसा होता है, ठीक है। और जो सरकारी स्कूल में है वहां बच्चा आए ना आए तो कॉल वॉल नहीं जाता इतना, ठीक है। और अब क्या है, एसओ एससी की बात की जाए, यहाँ पर पूरा का पूरा प्रशासन रहता है, आपका डिसिप्लिन में रहना पड़ता है आपको, है ना। और अभी ड्रेस की भी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, अगर आपने छुट्टी कर ली तो छुट्टी करने के बाद क्या होगा, आपको आपके घर पे कॉल आ सकता है, आपके पेरेंट्स को बुलाया जा सकता है, ठीक है। आपको लीव देनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। और आप दीवार कूद के भाग नहीं सकते क्योंकि दीवार ही इतनी ऊंची है ना। और दूसरी बात, अगर आपने ऐसा किया भी तो क्या होगा, आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, हो सकता है आपका नाम भी काट दिया जाए, ठीक है। और बात की जाए ड्रेस की, देखो सरकारी स्कूल में जो ड्रेस होती है ना, आपको पता है नॉर्मली ड्रेस होती है जैसी आपने पहनी होगी। लेकिन क्या होता है, अब तो खैर काफी सुधार आ गया है, बच्चे ड्रेस पहन के जाने भी लगे हैं, वरना तो क्या होता है सरकारी स्कूल में अपन जींस में जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो मैं भी सरकारी स्कूल का स्टूडेंट हूँ, मैं भी खुद जींस में गया हूँ कई बार, तो नीली कलर की जींस में, है ना। और प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, वहां पर प्रॉपर ड्रेस होती है, टाई बेल्ट सब कुछ स्कूल का ही होता है, जूते होने चाहिए आपके ब्लैक कलर के, स्पोर्ट्स शूज नहीं चलेंगे। अगर आप किसी स्पोर्ट एक्टिविटीज के लिए जा रहे हो तो आपके लिए ब्लैक शूज चल जाएंगे, ठीक है। और अब बात करते हैं हम एसओ एस सी स्कूल की, यहाँ पर भी क्या है, जैसे आपकी जो ड्रेस है आप उसमें ही जाएंगे, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पैंट वैंट दूसरी नहीं पहननी है, जो आपको ड्रेस बताई गई है वही पहन के आनी है आपको, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। और ड्रेस के मामले में तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है ये, ठीक है। आपकी नीट एंड क्लीन ड्रेस होनी चाहिए, आपके जूते होने चाहिए आपके पैरों में, और क्या आपका आई कार्ड बेल्ट टाई जो स्कूल से मिलेगी वो होने चाहिए, ठीक है। कुछ भी आपका एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए। और यार सब बात की जाए तो देखो सरकारी स्कूल में बच्चे हाथों में रिंग पहन के जा रहे हैं, गले में चैन डाल के जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कड़े डाल के जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा एसओ एससी के स्कूल में, क्योंकि काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला स्कूल है और अच्छा भी नहीं लगता है यार ये सब, है ना। अब बात करते हैं देखो टीचर्स की, टीचर्स देखो सारे के सारे क्या है, बहुत ही हाई लेवल के टीचर है, सारे के सारे PhD किए हुए हैं, है ना, मास्टर्स का मतलब कि TGT PGT टीचर्स हैं। टीचर्स की बात की जाए तो देखो हर एक टीचर काफी अच्छा है, अपना पढ़ाने पे ही ध्यान देते हैं,
है ना, थोड़ा सरकारी स्कूल में है ना थोड़ा कम कम क्या मतलब उसमें है ना क्या भीड़ ज्यादा है, भीड़ ज्यादा तो टीचर क्या करते हैं ना, जो भी आगे के बच्चे होते हैं उन्हें समझ में आता है, पीछे वाले बच्चे मजे ले रहे होते हैं। ठीक है, तो टीचर्स की बात की जाए, टीचर्स को देखो हर एक टीचर अच्छा होता है, काफी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं कुछ मोबाइल चला रहे हैं बैठ के, बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं अपना मजे में, है ना। तो ये भी है थोड़ा, अगर जो डिसिप्लिन में सरकारी स्कूल की बात करूँ तो थोड़ी सी टीचर की मैं गलती मानता हूँ कि अगर वो ही बच्चों को टाइट रखे ना, क्योंकि हर स्कूल में एक ना एक टीचर ऐसा होता है 101% जो बच्चों को पूरा का पूरा टाइट करके रखता है। ठीक है, यहाँ पर ये बात हो गई। ठीक है, और टीचर को कौन टाइट करता है आप अच्छे से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जाए प्राइवेट स्कूल्स की, देखो टीचर पूरे प्रशासन में रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, टीचर्स को मोबाइल अलाउ नहीं किया जाता है यहाँ पर, ताकि बच्चों पर पूरा का पूरा ध्यान जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बच्चों पर ध्यान दिया जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, अब बात करते हैं एसओएससी के स्कूल की। एसओएससी स्कूल में क्या होता है, टीचर्स तो होते हैं, टीचर्स पढ़ाते भी काफी अच्छा है, वहाँ का प्रशासन भी अच्छा है, टीचर हर एक बच्चे पर कंट्रोल रखता है कि किस तरीके से कैसे ट्रीट करना है बच्चे को। ठीक है, और कोई भी मतलब कि मैंने देखा तो नहीं है ऐसी उल्टी सीधी लैंग्वेज करते हुए टीचर को, लेकिन कुछ टीचर्स होते हैं जो उल्टी सीधी लैंग्वेज भी यूज कर लेते हैं कभी कभी गुस्से में। ठीक है, तो टीचर्स की बात हो गई, अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल साहब की। अब प्रिंसिपल साहब क्या है, देखिए अगर क्या होता है ना, एक देश का जो राजा है, एक देश का अगर राजा है या प्रधानमंत्री है वो बढ़िया है तो सब बढ़िया है ना, समझ रहे हैं आप समझ रहे होंगे। ठीक है, मतलब कि अगर प्रिंसिपल बढ़िया है तो पूरा का पूरा स्कूल, प्रिंसिपल बढ़िया है, टीचर्स तो टाइट रहेंगे, जब टीचर्स टाइट रहेंगे तो बच्चों को भी टाइट करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा ये भी, है ना। तो इस चीज को समझो कि यही है फैक्ट। तो क्या होता है, जो प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, प्रिंसिपल ही ऑनर होता है। तो अब क्या होता है, जो प्रिंसिपल साहब है ना वो क्या करते हैं, वो सारे टीचर्स को एकदम बिल्कुल कंट्रोल में रखते हैं कि भाई हर एक बच्चे को तुम्हें ध्यान से देखना है, ध्यान से ट्रीट करना है, कोई बच्चा इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए प्राइवेट स्कूल में काफी अच्छा रूल रेगुलेशंस रहते हैं। और बात करते हैं एसओएससी के स्कूल की, एसओएससी के स्कूल के प्रिंसिपल भी काफी अच्छे होते हैं। देखो सारे प्रिंसिपल्स अच्छे होते हैं, बस क्या है डिपेंड करता है कि वो कितना वर्क कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। पहले हम है ना स्कूल में जब पढ़ते थे तो क्या था, हमारे एक प्रिंसिपल थे, उनका नाम था मिस्टर किशन लाल। तो उनके राज में क्या होता था, बच्चे दीवार से कूद कूद के भागते थे, है ना। सही बताऊं तो दीवार से, देखो तुम्हारे सर जी नहीं भागे दीवार से कूद के, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। कई सारे बच्चे कमेंट्स में ये पूछने वाले हैं कि सर आपने दीवार कूदी है कभी, नहीं मैंने नहीं कूदी यार। ठीक है, और हाँ चलो आगे की बात करते हैं। तो क्या होता है, जब मिस्टर किशनलाल सर थे प्रिंसिपल, तो उनके राज में क्या होता था, बच्चे है ना दीवार कूद कूद के जा रहे हैं, टीचर से फालतू बोल रहे हैं ना, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कि पढ़ाई का इतना अच्छा खासा वो नहीं था। मैं तो अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो जब हमारे टीचर चेंज हुए, मिस्टर आरसी शर्मा, जब भाई सब वो वाले टीचर आए ना, मैं बता रहा हूँ एक बच्चा भाग नहीं सकता था स्कूल में से, एक भी बच्चा भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता था। और टीचर और प्रिंसिपल सर है ना ऐसे पीछे हाथ रख के यूं करके है ना राउंड लगाते थे, हाँ भाई कौन सा बच्चा कहाँ है, सबका जो बच्चा देखा बाहर और उस पर आई कार्ड नहीं है बस उसमें रैपटे बजना चालू हो जाते थे, बहुत तगड़े तगड़े, है ना। एक बार तो मैं पिटा था सर जी से प्रिंसिपल सर से, एक्चुअली ऐसा हुआ था प्रेयर में, है ना प्रेयर में लगवाया था सबको, तो मैंने क्या किया, मैं प्रेयर में गया नहीं, मैंने क्या किया मैं गैलरी में जा रहा था, और क्या हुआ जीने से सर उतर रहे और मैं गैलरी में से ऐसे आ रहा हूँ, तो क्या हुआ दोनों ऐसे सामने आ गए और मैं ऐसे करके चुपचाप खड़ा हो गया। मैंने कहा सर 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 जी नमस्ते, पैर छू लिए, हाँ ठीक है जीते रहो, ऐसे बोल दिया उन्होंने। फिर क्या हुआ, मेरे को काफी डर सा लग रहा था कि आज तो कुणाल तू गया। फिर क्या हुआ, सर ने क्या कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, भाई प्रिंसिपल सर के आगे आवाज निकल रही है, एक दिया चाटा घुमा के मेरे गाल पे, चल प्रेयर में, वहीं से भाग गया प्रेयर में, काफी डरावना सीन था वो, है ना। तो भागने नहीं थी, तो इवन वो सर ऐसे थे ना बच्चों के पीछे भी भागते थे, है ना। और अब बात की जाए देखो एसओएससी स्कूल के प्रिंसिपल की, वो तो काफी अच्छे होते ही हैं क्योंकि सारा प्रशासन उन्हीं से ही चल रहा है, तो आपको आप जानते हैं कि एसओएससी के स्कूल किस तरीके से ट्रीट किए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई भी बच्चा भाग नहीं सकता है ना, प्रिंसिपल हर चीज का ध्यान रखते हैं, क्योंकि भाई देखो एक टॉप स्कूल है तो टॉप तरीके से ही चलाया जाएगा। ऐसे कई सारे सरकारी स्कूल भी हैं जिन्हें अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है। ठीक है, जैसे इधर अशोकनगर में एक स्कूल है, मैं वहां पर देखा है, वहां का प्रशासन काफी अच्छा है। ठीक है, और देखो और आपको पता होगा परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट का भी रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, आप मुझे जल्दी से बता दो कौन कौन सिलेक्ट हुआ है, और अपने फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, नेम और डोमेन,
फटाफट मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भेज दो, ठीक है? मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर नीचे, इधर नीचे आ जाएगी, ठीक है? और आप अच्छे से मुझे भेज दो, ठीक है? और बताओ मुझे कैसी लग रही है वीडियो, और फटाफट यार चैनल को लाइक, सॉरी, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।